स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहिल मार्क में। तो गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस जो है का न्यू अपडेट आ गया है 2024 में। तो अगर आप भी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को जो है अपडेट कराना चाहते हो तो गाइस ये वीडियो जो है एंड तक देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है ये वीडियो देखने की वजह से जो है उनका 7 से 12 दिन के अंदर में जो है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो कैसे आप लोग जो है अर्जेंट जो है अपडेट कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और कितना दिन लगेगा, कितना पैसा लगेगा, सारा इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो ये 2024 की जो है पहली वीडियो है, तो ये वीडियो जो है आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं इसके पहले बनाया हूं वो 2023 का था। और जो है नियम जो है हर साल के हर महीने में जो है बदलता रहता है गाइस। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कराना है वो लोग जो है अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, उनके लिए जो है ये ऑफर है, क्योंकि अगर आप जो है हमारे चैनल को ज्वाइन करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेजते हो तो उसके बाद से जो है गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों को जो है 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस जो है अपडेट कराना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए फालतू बातों को पीछे रखते हैं और वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखो गाइस 2024 में जो है अर्जेंट वालों का अपडेट जो है होने वाला है। ठीक है, हो रहा है और बहुत सारे लोगों का जो है हो भी गया। ठीक है, और मैं जो है बहुत सारे लोगों का जो है लाइव प्रूफ भी दिखाया आप लोगों को। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लेकिन पहले आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और जो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है उसको ज्वाइन कीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट दीजिए। ठीक है, आप लोगों का काम फास्ट कराऊंगा भाई। ठीक है, तो देखो लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए जो है गाइस मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट जो बता रहा हूँ वो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपके पास जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद से जो है आपके पास जो है एनरोलमेंट कराना है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट को अटैच करवा के एनरोलमेंट कराना है। ये एनरोलमेंट जो है कहीं भी आप कराइए, जैसे मान लीजिए किसी CSC सेंटर में जो है भी हो जाता है, और आप जो है आधार सेंटर वहां पे भी जाके करा सकते हैं, या किसी जो है जन सेवा केंद्र पे भी करा सकते हैं। ठीक है, तो वहां कराने के बाद से जो है आपको आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और जो है एनरोलमेंट स्लिप को एक PDF बनाना है, वो भी HDIM बनाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है डॉक्यूमेंट तो सही बना ले रहे हैं लेकिन जो है HD क्लियरिटी की वजह से उनका अपडेट जो है नहीं होता है। ठीक है, तो भाई सबसे मेन है कि आपका एनरोलमेंट स्लिप जो है, एनरोलमेंट नंबर दिखना चाहिए, एनरोलमेंट डेट ऑफ टाइम दिखना चाहिए, सारा चीज क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है डॉक्यूमेंट भेजते हैं, सारा चीज क्लियर रहता है, HD रहता है, लेकिन उनका एनरोलमेंट जो स्लिप रहता है ना वो साफ दिखाई नहीं देता है। तो इसके वजह से भी जो है आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है कभी कभी अपडेट नहीं होता है गाइस। ठीक है, तो अभी देखो गाइस जो है भर्ती निकला है, UP पुलिस का जो भर्ती निकला है, इसके वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है अपडेट नहीं हो रहा है, लिमिट क्रॉस हो गया है। और बिहार में जो है टीचर का जो भर्ती निकला है, इसमें अभी ज्वाइनिंग करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए जो है उनका दिक्कत आ रहा है। तो आप लोग को भाई परेशान नहीं होना है, अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या आपका लिमिट क्रॉस है तो आप हमसे संपर्क करके जो है बात कर सकते हैं व्हाट्सएप से या कॉल से, और आप जो भी प्रॉब्लम है हमें बताइए, आप लोगों का हेल्प जरूर कराया जाएगा गाइस। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कोई भी अर्जेंट अगर काम हो, ठीक है, और आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं हो रहा है तो आप हमें जरूर संपर्क कर लें, क्योंकि आपका काम जो है 7 से 12 दिनों के अंदर में जो है करा दिया जाएगा। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट होगा तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं 5 से 6 दिन के अंदर में जो है डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करा दिया जाएगा गाइस। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अपडेट कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे लोग जैसे कहीं ऐसे फंसे रहते हैं जो एनरोलमेंट नहीं करा पाते हैं, उनके लिए तो एक और अच्छी खबर है कि आपके पास जो है कितना भी पुराना जो है एनरोलमेंट स्लिप हो, रिजेक्ट होना चाहिए, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, वो आपको जो है भेज देना है, उसी के थ्रू से जो है सारा प्रोसेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप लोग जिसको भी कराना है आप मेरे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर लीजिए और वहां पे जो है अपना डॉक्यूमेंट भेजिए। ठीक है,
और उसके बाद से जो है आपको कितना पेमेंट लगेगा ये आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। और हाँ एक चीज और है, जो भाई लोग का अर्जेंट है वही लोग हमें मैसेज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहा हूँ कि मतलब जिसको नहीं भी अपडेट कराना रहता है उनका नॉर्मली रहता है। अगर आप नॉर्मल अपडेट कराना चाहते हैं तो मेल के जरिए अपडेट करा सकते हैं, बहुत सारी मैंने वीडियो बना दिया है। और 2024 का जो है मेल से अपडेट कराने का जो है न्यू वीडियो आने वाला है, क्योंकि बहुत सारा जो है अपडेट जो है चेंज हो गया है कि मेल से कैसे आप अपडेट करा सकते हैं, वो वीडियो आएगी। आप लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो आप लोग को अर्जेंट में अपडेट कराने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, इनरोलमेंट स्लिप, ठीक है, रिजेक्ट वाली, अगर रिजेक्ट वाली है एक दो महीना तीन महीना पुरानी वो भी चलेगा, ठीक है, आपको भेजना है, और आधार कार्ड भेजना है, ठीक है। और उसके बाद से जो है आप लोग को प्रोसेस में लगा दिया जाएगा, जो आपका रिजेक्ट स्लिप है वही प्रोसेस में आएगा और फिर अपडेट होगा गाइस, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है भाई, अगर अर्जेंट है तो आप हमसे जो है जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, मिल के जो है अपना काम कराना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको एड्रेस दे दिया जाएगा और वहां से जो है आप हमें विजिट करके मिल सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को अपडेट कराना है वही लोग मैसेज करें, और जिन भाई लोगों को ज्यादा अर्जेंट है और मिलना चाहते हैं तो आप मिल भी सकते हैं, नहीं तो आप जो है अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करके जो है आप हमसे करा सकते हैं, ठीक है। आना है जल्दी से मैसेज करो आप लोग, ठीक है, आप लोगों का काम फास्ट कर